હેલો દર્શક મિત્રો સિનેમા સાહિત્યમાં હું નિખિલ પટેલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું ગુજરાતી ફિલ્મોના જાણીતા અભિનેત્રી પ્રિનલ ઓબોરાય આજે અહીંયા આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે તો પ્રિનલ ઓબોરાય વિશેથી આપણે જાણીશું એમની ગુજરાતી ફિલ્મોની કારકિર્દી વિશે એમની આવનારી ફિલ્મો વિશે અને એમની અભિનય યાત્રા વિશે તો પ્રિનલ આપ એક્ટિંગ ફિલ્ડમાં ક્યાંથી આવ્યા અને ક્યાંથી આપણે એક્ટિંગ ફિલ્ડમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હતો કે નહીં આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરી પુરાની વાત આપ કરો शॉर्टकट में समझाऊंगी दो हज़ार सात में मैंने मेरा करियर शुरू किया था मैंने अपना डिप्लोमा किया है थिएटर्स में फ्रॉम भारतीय नाट्य शिक्षा पीठ जो बॉम्बे में है मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ उसके बाद मैंने अपना सीरियल से करियर शुरू किया हरे राज की चूड़िया मेरा पहला शो था सहारा वन पे 2007 में फिर मैंने बालाजी का शो किया था कयामत स्टार प्लस के लिए 2008 में 2009 में मैं गुजरात इंडस्ट्री में आई और uh, पहले मैं डांसर बनना चाहती थी एक्चुअली बिकॉज़ वेरी गुड इन डांसिंग स्टेट लेवल पे काफ़ी परफॉर्म किया था बट मॉम ने कहा कि अगर डांसर बनना है तो पीछे डांस करती हुई रह जाओगी <laughs> तो एक्टिंग थिएटर uh, के थ्रू बेसिकली मैंने किया इसलिए डिप्लोमा किया सीखा और उसके बाद सरप्राइजिंगली uh, मैं गुजरात में आ गई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक हिंदी भाषी होकर भी मैं गुजरात में आ पाऊँगी और यहाँ की लैंग्वेज में बात कर पाऊँगी दो मैं फिल्म अपनी खुद गुजराती में करती हूँ डबिंग भी करती हूँ पर मैं फिर भी पर्सनली गुजराती नहीं बोल पाती थोड़ी कॉन्शियस हो जाती हूँ सो इट्स बीन दस साल हो गए मुझे यहाँ पर काम करते हुए मैंने बीस बाईस फिल्म की हैं अब तक एज ए लीड और काफ़ी अवार्ड्स भी लिए हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ और बहुत ही आभार हूँ सभी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया यहाँ तक काम करने के लिए मैं आपने वो सम्राट रशो का में काम किया था तो वो चारू मित्रा का जो रोल था तो दर्शक मेरा दर्शक जो है वो आपको मतलब वो रोल से आपको ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी मिली तो वो रोल मतलब नेगेटिव रोल किया था आपने तो मतलब वो रोल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आ, उसके पहले मैंने एक शो किया था हरे सॉरी स्टार प्लस पे प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा वॉज प्लेइंग कायरा वो भी काफ़ी फेमस था वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर उसके बाद आउट एंड आउट मुझे अग्नि परीक्षा फिल्म करने के बाद मुझे अशोक ऑफर हुआ मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था मुझे चार महीने लग गए उस कैरेक्टर को अपनाने के लिए और परफॉर्म करने के लिए मैंने इनफैक्ट चार महीने के अंदर दो बार शो छोड़ना छोड़ने का एप्लीकेशन भी दिया और uh, कि मैं नहीं शायद कर पाऊँगी इस रोल को लेकिन मेरे प्रोड्यूसर्स और जो चैनल थे वो काफ़ी एडमिट थे कि नहीं आप ये कर पाओगे एंड आई थिंक मैंने बहुत अच्छा निभाया और काफ़ी सराहाया लोगों ने इस कैरेक्टर को बस तो आप हिंदी फिल्म और हिंदी सीरियल्स में काम करती थी तो मतलब गुजराती में आने का मतलब आपने कैसे लिया सी गुजरात मेरे लिए एक एक्चुअली प्यार है आ, आ, बेसिकली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं मेरे सारे प्रोड्यूसर्स मुझे अच्छे मिले इंक्लूडिंग भगवान जी उनकी वाइफ और जितने भी आज तक मिले फमेषवा फिल्म एवरी वन बहुत ही प्यार दिया है मुझे सराखों पे रखते हैं वो लोग और मुझे लगता है कि शायद इनका प्यार ही है नॉन प्रोफेशनली सही कभी कभी लोग मिल जाते हैं लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो संभालते हमें आई थिंक ये सारी चीज़ें मेरे ज़्यादा मायने रखती है और इसलिए मुझे गुजरात इंडस्ट्री ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यहाँ पर एक और भी चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर कल्चर को लेकर फिल्म काफ़ी बनाई जाती है यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजिंग और न्यूडिटी को नहीं मायने दिया जाता एंड यहाँ की जो भी ऑडियंस है और उन्होंने हमें पसंद किया है तो वह एक और प्लस पॉइंट हो जाता है एंड इसीलिए गुजरात में है हम अभी आप जो रूलर ऑडियंस है मतलब गुजराती फिल्म में जो काफ़ी रूलर फिल्म बनती है वह रूलर ऑडियंस में बहुत काफ़ी प्रचलित है तो मतलब आपको मतलब दर्शकों को मतलब आपको बेहद प्यार प्यार मिलता है तो गुजरात के दर्शकों के लिए मतलब आप क्या मतलब सी आई डोंट लाइक दिस एक्चुअली सॉरी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ रूलर फिल्म एंड अर्बन फिल्म बेसिकली इज ऑल अबाउट द बजट ओके दूसरी बात ये है कि um, अर्बन फिल्म या टेक्निकली बहुत अच्छी बनती है स्टोरी उनकी भी बहुत अच्छी रहती है हमारी भी बहुत अच्छी रहती है लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि इकोनॉमिकली पिक्चर्स कौन सी थ, चलती है थिएटर्स में जबकि बात रही है कि अर्बन फिल्म 2014 से शुरू हुई केवी रित से राइट एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग एज एन अर्बन फिल्म जो आया इंडस्ट्री में लेकिन उसके पहले कहाँ था सब एवरीबडी वॉज डूइंग थिएटर्स सब यूएस में जाके भी परफॉर्म करते थे लेकिन कभी किसी ने अर्बन फिल्म बनाने की सोची नहीं उसके पहले लेकिन ये हमारे सिंगर्स ही है विक्रम ठाकुर जिग्नेश ये सब पकड़ो जिसने शायद जिंदा रखा इंडस्ट्री को आप हम कुछ भी डिस्क्रिमिनेट कर ले मेरे लिए वो शायद सब एक जैसा है मैं एक टेलीविजन प्राइम चैनल पे शो करती हूँ hmm. लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अगर आप देसी सिंगर्स बोल लो या जो भी बोलो उनके साथ काम करने में उतना ही मजा आता है जितना मुझे एक, एक, एक अरविंद फिल्म में आएगा या फिर एक हिंदी फिल्म में आएगा या किसी hmm. में भी आएगा यहाँ की ऑडियंस ऐसी है कि मैं सच बताऊँ आपको आप अरविंद फिल्म कर लो जितने भी कर लो लेकिन जो स्टारडम हम रूलर एक्ट्रेसेस और जो रूलर एक्टर्स देखते हैं वो शायद गुजरात इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग देख पाएंगे चाहे वो अर्बन हो या कोई भी हो आ, वो तो शायद <laughs> आपने गुजरात के मतलब जो इंडस्ट्री के टॉप के कलाकार हितेन कुमार के साथ काम किया विक्रम ठाकुर के साथ काम किया जिग्नेश कबीरात के साथ काम किया मतलब टोटली टॉप के कलाकार सब एक्टर एक्टर के साथ काम किया तो एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ काम करने का इनिशियली जब मैं आई थी तो मैंने विक्रम को देखा तो मुझे लगा यार आई डों नो वेरे माई बिकॉज हमारे लिए बहुत ही अलग बात है अफकोर्स जब मैंने उसके साथ काम किया था मुझे मालूम पड़ा कि वो इतना पॉपुलर है यहाँ पे, उसकी फैन फॉलोइंग्स इतनी ज़्यादा है कि मतलब लोग आई एम टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड नाइन जब उसका बहुत ज़्यादा ही वॉज ऑन द टॉप हिस्टर ऑन द टॉप बट तब कुछ ज़्यादा उसका था एंड पीपल यूज टू गिव यू मनी उसके हाथ में पाँच पाँच दस दस रुपये लोग देखे जाते थे एंड इस तरीके से uh, यहाँ उनके साथ भी काम किया हितिन इज अ वेरी गुड एक्टर हितू इज़ अ वेरी गुड एक्टर तो कुछ एक्टर्स के साथ भी काम किया है कुछ सिंगर्स लेकिन अब शायद हीरो विक्रम जो है वो मैंने इस फिल्म में देखा है जो मैं, मैं काम कर रही हूँ कि वो टेक्निकली बहुत ग्रो हो चुका है तो उसको नहीं। नहीं। पता है कि कहाँ से लाइट लेनी है कहाँ से नहीं लेनी है और कौन सा कैमरे का कौन सा लेंस लगता है तो आई थिंक वो एक एक्टर या सिंगर जो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है या। okay, आप जी भगवान वागेला दिदर्शित फिल्म आ रही आई माँ बाप मोटू कोई नहीं तो फिल्म विषय काम करने एक्सपीरियंस केव रो जिग्नेश कविराज का से काम करने एक्सपीरियंस केव रो एक्चुअली भगवान जी की फिल्म के लिए तो आई थिंक मैं एक घर की एक्ट्रेस हूँ घर <laughs> जैसा ही समझते हैं वो मुझे एंड उनकी uh, जब हमने की थी ठाकुर नंबर वन फिल्म की थी उसके ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर गैप के बाद हमने एक फिल्म की ठाकुर नंबर टू और उसमें मैंने गाना किया था उसके बाद उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की माँ बाप थी मोटू कोई नहीं एक्सपीरियंस uh, अच्छा तो ऑफकोर्स अच्छा रहा बिकॉज तो जिग्निश के साथ पहले भी फिल्म की है ये फिल्म एक मैसेज के साथ है कुछ अच्छा है और कुछ अलग रोल भी प्ले किया है मैंने अपने बाल भी शॉर्ट करवा लिए थे फॉर द कैरेक्टर मतलब एम नॉट डेडिकेटेड सो सो रोल भी मैंने काफी अच्छा प्ले किया है एंड वर्किंग विथ भगवान जी इज ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर मी योर मैंने हमेशा मजे किए लाख लोग कुछ भी बोले आई एन्जॉय इज वर्क ओके तो आ फिल्म पीछे आप मतलब आगे फ्यूचर में शू कर गुजराती फिल्मों करो कि हिंदी फिल्मों बाजु जशो नहीं नहीं आई एम वेरी लविंग विद गुजराती मैं हिंदी भी करूँ तो भी गुजरात आऊँगी मैं हर साल सीरियल करती हूँ दो साल सीरियल करती हूँ दो साल यहाँ गैप लेके फिल्म करने आती हूँ और ये सिलसिला जारी रहेगा अफकोर्स हिंदी फिल्म अभी तक मैंने सोचा नहीं है बिकॉज जो चीज़ मुझे लगता है कि अपने रस्ते पे आती है उसे अपना नहीं चाहिए उसे छोड़कर अपना राह छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में मतलब तभी एक बीन गुजराती जो छता गुजराती फिल्म आटली हिट जा रही है तो तभी गुजराती साथ मतलब मैनेज कई रीते करो मेरा होमवर्क होता है रोज़ रात को आफ्टर पैकअप असिस्टेंट जो होते हैं फ्रॉम माय डायरेक्टर भावेश एज वेल एज़ बाकी जितने भी हैं वो सब मुझे हिंदी में ट्रांसलेट के लिए हेल्प करते हैं तो रात को पैकअप के बाद मैं गुजराती को हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके तो। लिखती हूँ और फिर सुबह याद करके उसे बोलती हूँ और बस हो <laughs> प्रैक्टिस हो गई अब प्रैक्टिस हो गई ओके ओके थैंक यू मैम तो आप गुजराती सिनेमा साहित्य के माध्यम से अब गुजराती दर्शकों को क्या मतलब संदेश देना चाहती हो मैं ये ऑडियंसेस को हाँ ऑडियंस को हाँ yeah. मैं फ़िल्म बनाने वालों को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर अभी सब्सिडी बढ़ी है तो प्लीज़ आप अच्छा फिल्म बनाइए अच्छे से टेक्निकली फिल्म को कम पैसे में ही सही इट्स अ लो बजट फिल्म लेकिन एक अच्छे टेक्निकली फिल्म बनाइए आप बेशक कितनी भी कॉस्ट कटिंग करिए लेकिन गुड स्टोरी गुड एंड सी टू इट की बेशक रूलर की जितने भी थिएटर्स है वो बंद हो जाए लेकिन हम मल्टीप्लेक्स तक पहुँचाइए हमें एम रखना चाहिए लाइफ में एंड टू दी ऑडियंस की आप मुझे इसी तरह पसंद करते रहिए और मैं इसी तरह फिल्म करती रहूँगी थैंक यू थैंक यू सिनेमा साहित्य तरफ आपनी साथ आता पीना लोबोराय जमनी નજીકના ભવિષ્યમાં જિજ્ઞેશેશ કવિરાજ સાથે ભગવાન વાગલા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ આવી રહી છે કે મા બાપથી મોટું કોઈ નથી તો આપ સૌ દર્શક મિત્રોને અમારે વિનંતી કે આપ સૌ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની આ નવી આવેલી ફિલ્મોને જુઓ નિહાળો અને આપ સૌ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનું નામ રોશન કરો એવી અભિલાષા સાથે હું નિખિલ પટેલ સિનેમા સાહિત્ય